एक मित्र ने लिखा है, कृपया ये बताएं कि भगवान बुद्ध के विपश्यना ध्यान विधि में ऐसा क्या नया है जो विज्ञान भैरव तंत्र में नहीं है। अब इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता था। तुम ये भी पूछ सकते थे कि विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसा क्या है जो भगवान बुद्ध के ध्यान विधि या देशना में नहीं है। मूलतः ऐसे प्रश्नों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जो जहां है उसको हमें वहीं पर परिपूर्णता से देखना है, टोटली कंप्लीटली एब्सोल्यूटली। हमको किसी तरह के एनालिसिस विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं है और फिर तुलनाओं का कोई मूल्य भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विज्ञान भैरव तंत्र की जो प्रारंभिक ध्यान विधि है, सांसों पर अवधान की, भगवान बुद्ध की विपासना बिल्कुल वही है। अब यह संभव भी हो सकता है कि भगवान बुद्ध ने विज्ञान भैरव तंत्र को देखा हो और उस ध्यान विधि को वहां से लिया हो, और यह भी संभव है कि उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र का नाम भी ना सुना हो, उसे ना भी देखा हो। बुद्धों के पास, गुरुओं के पास विधियां घटती हैं उस देश काल के अनुरूप। विधि की अपने आप में कोई भी महत्ता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। विधियां जब देश काल के अनुरूप घटती हैं तब उनका महत्व होता है, उनका उपयोग होता है और उनसे परिणाम आता है। हम व्याख्याएं कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और उस पर भी यकीन मानिए कि जब कोई मास्टर, कोई बुद्ध किसी खास विधि का विश्लेषण करता है तो उस समय के लिए वो उपयोगी हो सकती है। तो हमको बस उसको उसी देश काल में देखना है। ध्यान विधियां तो इतनी जानी ही गई भारत में, लेकिन उसके शिखर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे जब भगवान बुद्ध थे। यूं तो विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियां हैं, ध्यान का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, उसका डायमेंशन है, उसमें समा जाता है। किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से ध्यान की बात करी जाए तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में वो समाहित हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें विधियों का कोई होलसेल शोरूम तो खोलना नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र विधियों का एक मॉल है, बहुत बड़ा शोरूम है जहां पर हर किस्म की ध्यान विधि अवेलेबल हो अवेलेबल, लेकिन उसको लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी होना चाहिए। कई बार अगर मॉल में उस तरह का माल आ जाए जिसको कोई लेने वाला ना हो तो बस वो खड़ा रहता है, लोग विजिट करके चले जाते हैं, विंडो पे देखते हैं, हाँ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उसको खरीदता कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध के समय कमोबेश यही हालात हो चुके थे ध्यान के जगत में कि लोगों को पता तो बहुत कुछ था लेकिन प्रयोग कोई नहीं कर रहा था। इक्का दुक्का कहीं कोई कर रहा होगा तो उससे कोई बहुत बात बनती बिगड़ती नहीं थी। अब बुद्ध को चाहिए था कि ये जनमानस में उतरे, ध्यान कहीं विशेष जगह पर किसी विशेष व्यक्ति की कोई चीज ना होकर जनमानस के बीच जाए, और उसके लिए विपश्यना से बेहतर कोई विधि नहीं हो सकती थी। और बुद्ध से ज्यादा मैं कहता हूं कि वैज्ञानिक, चतुर, क्लेवर व्यक्ति अध्यात्म जगत में ढूंढना दूसरा मुश्किल है। विपश्यना को वो विधि तो कहते हैं लेकिन जैसे वो उसको पेश करते हैं
वो विधि रही नहीं जाती, दैट बिकम्स मेथडलेस मेथड। क्योंकि विपश्यना से उनका अभिप्राय है जीवन को देखना। अब अगर वो सीधे सीधे कहते कि जीवन को देखो, तो कई लोगों को समझ बात नहीं पड़ती, क्या देखें जीवन को, जीवन को तो हम देख ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा सांसों को देखो, क्योंकि सांसें जीवन हैं, सांसें चलती हैं तो जीवन है, सांसें रुक जाती हैं तो जीवन खत्म। अब जो चल ही रहा है उसको देखना कोई विधि तो नहीं हुई, सांसें तो तुम्हारी आ ही जा रही हैं, ना उनको कम करना ना ज्यादा करना, बस उनको देखना। फिर उसका दायरा वो बड़ा करते हैं, बड़ा करने पर वो कहते हैं कि बस सांसों को देखते देखते जीवन की धारा में प्रवेश कर जाओ, और तब जीवन को वैसा देखो जैसा वो है। यही विपश्यना की खूबसूरती है और उसका रहस्य भी है कि वो विधि है ही नहीं। तुम सांसों की तरफ लौटते हो तो अपनी जीवन धारा के प्रति लौट जाते हो, और सांसों पर बहता हुआ जो जीवन तुम तक आ रहा है तुम उसका साक्षात्कार करते हो, और फिर जीवन के सीधे साक्षात्कार से तुम्हारे भीतर अपने किस्म की अंतर्दृष्टियां पैदा होती हैं, अपने किस्म की इंसाइट्स आती हैं। जीवन से दूर हो जाओ तो कुछ भी फिर समझ में कहां आता। तो बड़ी चतुराई से चुनी गई विधि है। 112 विधियों की जब विज्ञान भैरव तंत्र की बात होती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि हम प्रयोग करेंगे, साधेंगे। कई लोगों को तो वो मैराथन एफर्ट जैसा जान पड़ता है कि हम 112 ही साध डालेंगे। अरे तुम किसी मॉल में जाते हो तो हर साइज की शर्ट थोड़ी पहन डालते हो, हर साइज का कपड़ा कि बहुत सारा डिजाइन है हर साइज का है हम सब पहन डालेंगे। तो ये विधियां जो हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों के लिए अलग अलग ढंग से विज्ञान धरो तंत्र में दी गई। हर विधि किसी को, हर किसी को करने की जरूरत भी नहीं है, अपने अनुकूल विधि तक पहुंच जाना बस उतना काफी। विज्ञान धरो तंत्र पर मैंने डिटेल में बोला है, अभी उसको बीच में विराम दिया है, फिर उस पर डिटेल में बोलेंगे आगे। और मेरा यही कहना रहा कि विधियों में उलझना नहीं है, उनको देखना और समझना है। विज्ञान भरो तंत्र की भी तमाम विधियां विधियों जैसी हैं ही नहीं, वो केवल समझ जैसी हैं। लेकिन विपश्यना जैसी विधि बुद्ध के हाथ में पढ़कर चमत्कारिक हो गई, अलौकिक हो गई। विधि अपने आप में गैर मामूली थी, उसका कोई मतलब नहीं था। बुद्ध के हाथ में आकर उनके माध्यम से शेयर किए जाने से उसका जो प्रकाश था वो बिल्कुल अलग हो गया, और लोगों को ये बात समझ में आई। इससे सरल बात क्या हो सकती है, जैसे किसी को अगर कहा जाता भाई तुम साधना करो तो लोग कहते हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हमसे सीधे बैठा नहीं जाता, हमसे सांसें ली नहीं जाती, तमाम तरह के बहाने, और विपश्यना में कोई बहाना नहीं चलता। अब जिन लोगों ने विपश्यना को भी कल्ट बना लिया आज के वक्त में, वो विपश्यना को भी एक बड़ा आर्मी एक्सरसाइज की तरह से हैंडल करते हैं कि तुमको ऐसे ही करना है, तुमको ऐसे ही बैठना है, वो तपस्या में बदल जाती। बुद्ध की विपश्यना तपस्या नहीं है, उनके जो सन्यासी हैं वो तपस्वी जैसे जान पड़ते हैं, लेकिन वो सहज जीवन की ही घोषणा है। सहज जीवन जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये उनका प्रयोग था कि सहज जीवन कम सामान में, कम सुविधाओं में भी सहजता से जिया जा सकता है, और जीवन के प्रति अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा होशपूर्ण होकर, अवेयर होकर। तो बस इससे ही सारी चीज नई हो गई कि कुछ करना नहीं था, धीरे धीरे जीवन के प्रति जागना था। और जीवन के प्रति अगर जागना हो तो सांसों की जो प्रक्रिया है उसको देख लेने से सहज और सुंदर कुछ और नहीं हो सकता था। जैसे मैंने अब एक चीज और उसमें ऐड करी कि अपनी अलाइवनेस को महसूस करते हुए
यानी अपनी जीवंतता, जो तुम्हारे शरीर में जीवन दौड़ रहा है, जो गर्माहट दौड़ रही है, उसको अनुभव करो और उसके साथ ही तुम उसी जगह पहुंचोगे जहां विपश्यना से पहुंचोगे, यानी कि जीवन में। तुम्हारे अंदर जो जीवंतता है, अलाइवनेस है, जो वार्मथ है, गर्माहट है, वही जीवन है। और जीवन समग्र जीवन का हिस्सा है, टोटल लाइफ का। तो तुम उस टोटल लाइफ में जाओगे। तो कभी भी ऐसे प्रश्नों में ना उलझे कि इसमें क्या खास है, उसमें क्या खास है। जब तुम किसी गुरु के सामने हो, किसी बुद्ध के सामने हो, तो वो जो कह रहा है उसका पूरा प्रयोग करो, उपयोग करो। और जो किताबों में बंद है वो केवल रिसर्च के लिए, शोध के लिए, माथापच्ची के लिए, विश्लेषण के लिए, उसी के लिए काम आता है, जो तुम्हारे किसी काम नहीं आता। तो कोई तुलनात्मक बात नहीं, सब अपनी जगह अनूठी चीजें हैं। विज्ञान भैरव तंत्र अपनी जगह अनूठा है, जब वो शिव और देवी के हाथों में होता है अनूठा है, वही विधियां जब किसी और बुद्ध के हाथों में होती हैं अनूठी होती हैं। अन्यथा वो किताबों में बंद सामग्रियां किसी काम की नहीं। अगर भगवान बुद्ध की विपश्यना भी बस किताब में बंद हो तो किसी काम की नहीं, जब तक कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति ही उसको हमसे शेयर न करे, तब उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें नया जीवन आ जाता है, नई अंतर्दृष्टि आ जाती है। तो बस इतना ही पर्याप्त।